जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए बेटा, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। एनडीए 2024 फिजिक्स डायमेंशंस चल रहा है हमारा लेक्चर टू आज। तो बेटा, मैंने लेक्चर वन के अंदर डायमेंशंस लिखे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। 18 तक मैं लिख चुका था, कुछ और लिखते हैं, कुछ और डायमेंशंस और यूज करते हैं जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, ठीक है। 19 नाउ गैस कॉन्स्टेंट, गैस कॉन्स्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। बेटा हमें मालूम ही है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कॉन्स्टेंट एंड T टेम्परेचर। हमें किसका डायमेंशन चाहिए? गैस कॉन्स्टेंट का चाहिए। तो नाउ R इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला फ्रेम करिए, R इज इक्वल टू PV ओवर NT। अब बेटा प्रेशर का लिखते हैं, याद करिए, रिकॉल करिए प्रेशर का। प्रेशर का है ML माइनस वन T माइनस टू। नॉर्मल फोर्स ओवर एरिया, फोर्स का होता है ML T माइनस टू अपॉन एरिया एल टू, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वॉल्यूम बेटा एल थ्री। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिए, नंबर ऑफ मोल्स का भी मोल करके लिखा जाता है, मोल। एन का मोल हो गया और टेम्परेचर का मैंने कहा था हम थीटा यूज करेंगे, थीटा यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आर का मेरे पास हो जाएगा, अब देखो ये एल थ्री, ये एल माइनस वन, एम एल टू टी माइनस टू, थीटा ऊपर ले जाए और मोल माइनस वन, थीटा माइनस वन, मोल माइनस। तो बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखेंगे, ये सिंपली आर ओवर एन ए, आर ओवर एन ए होता है, आर ओवर एन ए कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, ये एनर्जी अपॉन टेम्परेचर है, या आर अपॉन एन ए, एन ए का भी बेटा पर मोल डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखेंगे। बेटा आर का यहां से ये रख दीजिए, आर का क्या है, एम एल टू टी माइनस टू, थीटा माइनस वन, मोल माइनस वन। एन ए एवोगैड्रोस नंबर, एन ए यहां पर क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर बेटा, एवोगैड्रोस नंबर, और लेजिबल लिख दू थोड़ा, एवो गैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस। तो इसका भी बेटा यहां पर मोल होता है, मोल इनवर्स, हैंस ये कट गया मोल, तो क्या बचा, एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस। अलग से आप याद रखना चाहते हैं तो ऐसे रख सकते हैं इसको, कि भाई एनर्जी अपॉन, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी ओवर टेम्परेचर इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हम इस तरीके से इंडिकेट कर देते हैं। एक बेटा यहां पर लिखते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, 21 रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। जो रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला समझ लीजिए, वन अपॉन लैम्डा, यानी वन अपॉन लैम्डा, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद रख लीजिए इसके अंदर, ठीक है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट वन अपॉन लैम्डा, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, यानी एक तरीके से लेंथ, वेवलेंथ, इट इज एल माइनस वन, वन अपॉन एल, एल माइनस वन, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट हैविंग डायमेंशन फॉर्मूला L raised to the power minus 1।
बेटा यहाँ पे स्टीफेंस कांस्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये स्टीफेंस कांस्टेंट होगा, पूरा ढंग से लिख दीजिए इसको, स्टीफेंस कांस्टेंट, ई ए भी लगेगा, स्टीफेंस कांस्टेंट, इसको ऐसे ध्यान रखिए, स्टीफेंस कांस्टेंट को ऐसे ध्यान रखिए, एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम और टेम्परेचर रेज टू दी पावर, टेम्परेचर पर पावर 4, ये इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए, फॉर्मूले से बेटा जल्दी आप लिख पाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब एनर्जी का लिखें, एनर्जी का ML2 T-2, नाउ एरिया L2, टाइम T हो गया और टेम्परेचर थीटा, थीटा रेज टू दी पावर 4। अब देखो L2 यहां से कट रहा है, अब क्या बचेगा हमारे पास, M बचेगा, L2 चला जाएगा, T-1 तो T-3 हो गया और थीटा रेज टू दी पावर -4 या गया, ठीक है। 23 लिखते हैं, एक वीन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट बेटा, जो वीन्स कांस्टेंट होता है, वीन्स कांस्टेंट सिर्फ ऐसे ध्यान रखिए, जो वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर बेटा, वेवलेंथ का क्या है, आसान है बड़ा और इंपॉर्टेंट भी है, वेवलेंथ का एल और टेम्परेचर थीटा, एल थीटा, ये वीन्स कांस्टेंट का हमारे पास आ गया। एक सोलर कांस्टेंट यानी सन से जो रेडिएशन हमारे पास आते हैं अर्थ पर आते हैं, अर्थ के यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितना रेडिएशन, कितनी सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है ऑन यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द ग्राउंड इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो अब ये मेरे पास हो गया, मेरे ख्याल से 25 होगा, देख लेना आप उसको नंबरिंग क्या है, 24 या 25, तो 24 लिख देता हूं जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है, 24, ठीक है। अब बेटा यहां पर सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट जो होगा ऐसे याद रखिए, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी अपॉन एरिया एंड टाइम। तो बेटा एनर्जी का हमेशा ध्यान रखेंगे, ML2 T-2 एरिया L2 टाइम T, L2 चला गया और टाइम M T-3 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। नाउ ये तो कांस्टेंट आप अलग से ध्यान रखिए, ठीक है, बाकी अब कुछ और फिजिकल क्वांटिटी लेके चलते हैं, फिर कुछ कोफिशियंट, दो तीन कोफिशियंट तैयार कर लेंगे। तो ये कोफिशियंट कांस्टेंट, इनमें से काफी चीजें आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे अब करते हैं नेक्स्ट 25, अब बेटा लेके चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एक तरीके से फॉर्मूला भी क्लियर होते चलेंगे, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, बेटा मास का एम हो गया, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन, तो लीनियर मोमेंटम हो गया एम एल टी माइनस वन, ठीक है। अब देखो जैसे जो एंगल का लिखा था मैंने डायमेंशन लेस, तो एंगल को मैं बोल सकता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल सकता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंपली एंगल होता है, एंगल टर्न बाय द बॉडी, ठीक है, या एंगल टर्न बाय द रेफरेंस लाइन। तो एंगल सीधा सीधा जो एंगल है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगल डायमेंशन लेस होता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो। अब इसी पर बेस्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बेटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर
displacement upon time, angular displacement over time. Angular displacement, no dimension, और time का dimension t हो गया, बेटा ये हमारे पास आ गया t raised to the power minus 1. तो angular velocity मेरे पास ये हो, ठीक है? एक बेटा लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर, एक चीज और लिख देते हैं फिर मोमेंटम पे बाद में आते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. बेटा एंगुलर वेलोसिटी आपने देखा टी माइनस वन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तो बेटा ये टी माइनस वन डिवाइडेड बाय टी, hence it is t minus 2, ये t minus 2 होगी, t raised to the power minus 2, angular acceleration. Now angular momentum, 29 angular momentum. Copy पे note कर दीजिएगा, ये सब है ना, ये notes बनाते चला करिए, बढ़िया से notes हो जाएंगे बेटा तुम्हारे आप, इधर first class notes होंगे, एक भी question बाहर नहीं निकलेगा आपका, ध्यान रखिए. 29 एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बेटा ये लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस होता है, ऐसे ध्यान रखिए, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस. अब लीनियर मोमेंटम का भी लिखा था मैंने, मास इनटू वेलोसिटी, इसका लिखा मैंने मास इनटू वेलोसिटी एम एल टी माइनस वन इनटू डिस्टेंस एल, तो ये क्या हो गया एम एल टू टी माइनस वन. याद करो ये इससे पहले लिखा जा चुका है, क्या ऐसा डायमेंशनल फॉर्मूला लिख चुके हैं, गौर करिए, एक जगह लिख चुके हैं बेटा, एक जगह लिख चुके हैं. और ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि एंगुलर मोमेंटम हैज द डायमेंशन, ठीक है, सेम एज दैट ऑफ, यानी कैसे क्वेश्चन बना देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या विच हैज सेम एंगल, विच हैज सेम डायमेंशन फॉर्मूला, या विच हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, विच हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ, as that of angular momentum. Number one, torque. Number two, b, Planck's constant. Number three, c, gravitational constant. Gravitational constant. And number four, d, pressure. बताइए क्या होगा, सोच के बोलिए, कर चुके हैं इससे पहले. देखो यहां पर अगर हम निकालेंगे सबके, इसका तो बिल्कुल एम एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू. एंगुलर मोमेंटम का क्या है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल टू टी माइनस वन, ठीक है. जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एकदम स्ट्राइक करेगा कि भाई ये प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट हमने क्या लिखा था, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट, E अपॉन न्यू, E था एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम टी माइनस वन, टी माइनस वन बेटा, टी माइनस वन ऊपर ले जाइए प्लस हो जाएगा, तो एम एल टू टी माइनस वन बचेगा,
वही हमारे पास एम एल टू पी माइनस वन। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल टू टी माइनस वन, ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला इसकी तरह है, सेम एज दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। बिल्कुल दिमाग में बैठाइए बेटा इस बात को, ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो जैसे कुछ हम टर्म यूज करते हैं जैसे स्ट्रेस, ठीक है, जब कोई बॉडी किसी अंडर प्रेशर होती है, अंडर टेंशन होती है, आम भाषा में भी कहते हैं स्ट्रेस है भाई, बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा टेंशन है, ठीक है। जैसे एक वायर है या कोई रॉड है, रॉड को मैंने रूफ से हैंग कर दिया, जैम कर दिया ऊपर, टाइट कर दिया बिल्कुल एकदम नट बोल्ट लगा के, ठीक है। अब यहां पे लगाया एक फोर्स, फोर्स कैसे लगाऊंगा, एक वेट सस्पेंड कर दिया, इसका जो वेट होगा, जो मैंने मास सस्पेंड किया उसका वेट मान लीजिए एफ, mg होगा, मैंने F लिख दिया। ये क्या करेगा, इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा और नेग्लिजिबली स्मॉल स्ट्रेच भी करेगा, स्ट्रेच भी करेगा लेकिन हमें अपनी नेकेड आई से पता नहीं चलेगा, ये स्ट्रेच हो गया। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लो A, ठीक है, तो एक तरीके से ये जो फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स है, इसने इस रॉड या वायर को डिफॉर्म कर दिया, लेंथ को एलोंगेट कर दिया, इट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो बेटा जो स्ट्रेस होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया, भाई डिफॉर्मिंग फोर्स कितने एरिया पे काम कर रहा है, इट इज अ स्ट्रेस, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस हो गया। तो बेटा यहां पे फोर्स का कोई भी फोर्स हो, डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस यू, बेटा एरिया का एल, ये कितना हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस यू। अब ये बताओ ये किसका है, किसकी तरह है, स्ट्रेस इज लाइक, इट इज लाइक द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, उसकी तरह डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है लेकिन चीजें अलग अलग हैं, प्रेशर अलग फिजिकल क्वांटिटी है, स्ट्रेस अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो एम एल माइनस वन टी माइनस यू ये स्ट्रेस हो गया, और बेटा स्ट्रेस का कोई भी टाइप हो सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा। मान लो आपको स्ट्रेस डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, आपको इसके टाइप्स पे पूछ रहा है, तो इसके जो टाइप्स हैं, इसके जो टाइप्स हैं यहां पर, इसके जो टाइप्स हैं, सबसे पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये बात में इसको डिस्कस करेंगे, आएंगे इन सब चीजों पे, शॉर्ट शॉर्ट में बताएंगे बेटा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस हो, किसी भी नाम से पुकारा जाए, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और इट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू। मान लो बेटा ओरिजिनल लेंथ इसकी एल है, रॉड की ओरिजिनल लेंथ या वायर की ओरिजिनल लेंथ इज एल, और जो एलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ, ये छोटा सा जो एलोंगेशन हुआ, मान लो ये स्मॉल एल की बराबर, छोटा सा जो एलोंगेशन आ रहा है, जो तार खींच रहा है या रॉड में खिंचाव आ रहा है, एलोंगेशन प्रोड्यूस दिस स्मॉल एल एंड ओरिजिनल लेंथ इज कैपिटल एल। तो अगला टर्म इसी से रिलेट करूंगा मैं, स्ट्रेन 31 स्ट्रेन, बेटा स्ट्रेन का मतलब होता है फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन, यहां डायमेंशन का मतलब है कि भाई उसका जो साइज है, रेडियस है या लेंथ है या वॉल्यूम है, उससे मतलब है फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। यहां डायमेंशन का क्या मतलब है, लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एटसेट्रा, लेंथ वॉल्यूम एटसेट्रा, डायमेंशन का मतलब ये है बेटा। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हो गया चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितनी है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, जैसे कि यहां पर कैपिटल एल और चेंज इन लेंथ स्मॉल एल, चेंज इन लेंथ कितना स्मॉल एल और ओरिजिनल कैपिटल एल। तो बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें,
लिख बताइए दिमाग में, करिए इसको कैलकुलेट क्या हो गया भाई, दोनों ही लेंथ है एल एल, यानी चेंज इन लेंथ, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला एल, इसका भी एल, ठीक है, तो कैंसिल आउट, यानी डायमेंशन लेस, एम जीरो एल जीरो टी, नो डायमेंशन, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, स्ट्रेन के भी बेटा तीन टाइप है, पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं हो, ठीक है, फिर वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, कोई डायमेंशन नहीं हो, ठीक है, तीसरा शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन, नहीं फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है और उसी टाइप की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स हो गया, टेंजेंशियल फोर्स हो गया, रेडियल फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, तो सभी टाइप के स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी एम जीरो एल जीरो टी जीरो, नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस, अब बेटा यहां पे कुछ कोफिशियंट्स देखते हैं, देखो मैं भूल जाता हूं बार बार नंबर 30 का, अब जैसे कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशियंट जो कोफिशियंट है इलास्टिसिटी का, ठीक है, इसका मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बेटा स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला अभी लिखा हमने, इट इज लाइक द प्रेशर एम एल माइनस वन टी माइनस टू एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन का एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये कितना हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, रिमेन्स द सेम कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसके भी बेटा तीन टाइप होते हैं, तो तीनों टाइप की कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू रहेगा, ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एक टाइप है यंग्स मॉड्यूलस एंड सेकंड वन बल्क मॉड्यूलस, थर्ड वन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, 30, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई क्वेश्चंस में लगा हुआ आपको मिल जाएगा, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशियंट ऑफ viscosity, coefficient of viscosity, जो coefficient of viscosity है उसको ध्यान रखिए, उसका dimensional formula हमारे पास ऐसे, ध्यान रखिए force radius and velocity, ये formula होता है, फोर्स बराबर, ठीक है, यानी फोर्स अपॉन रेडियस वेलोसिटी कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगा, निकालो जरा इसका, ml b माइनस टू फोर्स हो गया, l ये हो गया बेटा वेलोसिटी एल टी माइनस वन, अब देखो एक l से l तो ये चला गया, l ऊपर जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा, पहले m तो m रहेगा ही, ये l माइनस वन, अब देखो t माइनस टू, t माइनस वन ऊपर जाएगा बिकम पॉजिटिव, माइनस टू प्लस वन t रेज टू द पावर माइनस वन, याद कर लो बेटा इसको, ml माइनस वन टी माइनस वन, ml माइनस वन टी माइनस वन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है, अब देखो एक और लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब 33 होगा, coefficient of
फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है इसका सिंपली ध्यान रखिए कि जो भाई कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ऐसे फॉर्मूला ध्यान रखिए, फोर्स अपॉन वेट, फोर्स अपॉन वेट, बेटा फोर्स और वेट, वेट इज ऑल्सो द फोर्स, वेट इज ऑल्सो द फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू, वेट का भी क्या है एम एल टी माइनस टू, इसका मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, ठीक है। या एक आध हीट के अंदर देख लीजिए, एक आध हीट के अंदर देख लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं एक, चलो कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे लेंगे, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये इसके रिगार्डिंग है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक तार का टेम्परेचर बढ़ाइए, रॉड का टेम्परेचर बढ़ाइए, इलोंगेट कर जाएगी, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना इलोंगेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहां पर जो उसका फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे कि भाई जो चेंज आएगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इनटू टेम्परेचर, ठीक है बेटा। चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ का एल हो गया, ओरिजिनल लेंथ का भी एल हो गया, और टेम्परेचर का क्या हो गया थीटा, तो थीटा माइनस वन, तो क्या आ गया इंपॉर्टेंट है बेटा, थीटा माइनस वन कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, या कोई भी और जैसे सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, इनका भी सेम रहेगा, यानी कोफिशियंट ऑफ, ऐसे लिख दो एरिया एक्सपेंशन या कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इन दोनों का भी क्या रहेगा थीटा माइनस वन, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पे बार बार मैं भूल जाता हूं यार, ये 34 है 35 है, ध्यान नहीं दिया मैंने, 35 लिख देता हूं मैं। अब बेटा यहां पे कुछ हीट के रिगार्डिंग लिखते हैं, नहीं हीट तो एनर्जी है, हीट का क्या रहेगा, हीट का, हीट एनर्जी है एम एल टू टी माइनस टू, तो हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी का हमारे पास क्या रहेगा एम एल टू टी माइनस टू रहेगा, ठीक है। अब हीट अपॉन मास जो होता है, हीट अपॉन मास, ये लेटेंट हीट होती है, तो ना ये बेसिकली लिख रहा हूं मैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, ठीक है। तो लेटेंट हीट मेरे पास क्या हो गया, हीट अपॉन मास, बेटा हीट एनर्जी हो गया एम एल टू टी माइनस टू, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, यानी लेटेंट हीट अपॉन मास एम, इट इज एल टू टी माइनस टू, कितना आ गया एल टू टी माइनस टू, लेटेंट हीट हमारे पास ये होगा। एक होता है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस एच सी, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस एच सी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। सीधा सीधा देखो ये है कि अगर किसी बॉडी को हीट देते हैं तो ये डिपेंड करती है मास पर, डिपेंड करती है टेम्परेचर चेंज पर, डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है, उसके लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी को मैंने क्या लिख दिया एस। तो बस बेटा अगर मुझे एस का चाहिए तो फॉर्मूला तैयार मेरे पास, हीट ओवर, हीट के लिए एस के लिए फॉर्मूला बनाइए, तो मास और चेंज इन टेम्परेचर को नीचे ले आएंगे, मास चेंज इन टेम्परेचर, तो बेटा जरा हीट का, हीट क्या है एनर्जी एम एल टू टी माइनस, ये हो गया।
मास चेंज इन टेम्परेचर, एम ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर, थीटा बेटा एम से एम चला गया तो वी हैव, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम एल टू। अब देखो एम से एम चला गया, एम से चला गया यहां पर तो बचेगा एल टू पी माइनस टू और थीटा माइनस वन, थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन, ये भी इंपॉर्टेंट बेटा स्पेसिफिक कैपेसिटी। ठीक है, एक बेटा आता है थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी हीट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ये इनको सब याद प्रैक्टिस करोगे बार बार यूज होंगे तो सब आ जाएंगे, बस फॉर्मूला याद रखना उनको, ऐसे याद करने की कोशिश मत करना इसको कि एल टू टी टू और एम एल टू और ये वो फलाना ढिमाका, ये कुछ नहीं, फॉर्मूला याद करो फॉर्मूले से लिखो। ठीक है, अब बेटा 37 थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी सिंपली मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस एच सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है मेरे पास, स्पेसिफिक कैपेसिटी है L2, यानी क्या लिखा मैंने L2 T2 और थीटा माइनस वन, और मास ये आ गया मेरे पास, पहले मास आ गया एस एच सी का ये चिपका दो एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन, तो थर्मल कैपेसिटी मेरे पास ये आ गया। तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखना बेटा इसके अंदर ना। अब थोड़ा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के ले लेते हैं, चार्ज ले लेते हैं, छोटे छोटे ले लेंगे, चार्ज ले लेंगे, करंट ले लेंगे। 38 चार्ज, अब ध्यान रखिए अब करंट इस्तेमाल जब होगा तो करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करंट के लिए क्या यूज करना है, फंडामेंटल है तो ए लेटर यूज करेंगे, ऐसे ब्रेसेस बना देंगे। अब चार्ज, अब चार्ज का लिखता है मुझे देन करंट इज इक्वल टू, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, करंट इनटू टाइम कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो चार्ज इज इक्वल टू आई इनटू टी, आई का बेटा ए हो गया, टाइम का टी होता है तो एट आ गया एट एटी, तो एटी बेटा चार्ज का हो गया। ठीक है ना, 39 अब निकालते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, वर्क अपॉन चार्ज। अब देखो वर्क का जानते हो एनर्जी और वर्क सेम एम एल टू टी माइनस टू अपॉन चार्ज एट, इट बिकम्स, अब देखो क्या हो गया ये एम एल टू तो सेम रहा, टी ऊपर चला गया माइनस में हो गया टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बच्चों मेरे पास ये हो गया। ठीक है, अब 40 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास ये आ गया। ठीक है नाउ अब निकालते हैं रेजिस्टेंस, बेटा जानती हो V इज इक्वल टू आई आर, V पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो वी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एक ही बात है, तो मैं इसका यहां पर लिख दूंगा पोटेंशियल का मेरे पास हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, पोटेंशियल तो ये हो गया आई, आई का मैंने अभी लिखा था आई इज इक्वल टू, आई का क्या लिखा था हमने भाई, आई का भी हमने लिखा है ए, ए यूज कर रहे हैं। ठीक है तो बेटा अब यहां पे आई इज इक्वल टू ए बिकम्स एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस थ्री, ये आ गया रेजिस्टेंस का बेटा, ये हो गया। ठीक है एक आध और लिख देते फिर फिनिश करते हैं, एक और बस लास्ट लिख रहे हैं, एक और लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज फोर्स एमएलटी माइनस टू चार्ज एट, चार्ज का क्या था एच आई इंटू टी। अब इसको ऊपर ले जाइए, एम एल तो ऐसे ही रहे, अब टी माइनस थ्री हो गया ए माइनस वन, तो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है ना, एक और लिख देते 41 सही नहीं लग रहा, 42 पे एंड कर देते। अब देखो जैसे कभी कभी जो जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस, आगे हम पढ़ेंगे जब ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, इनको आप कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कोफिशियंट ऑफ सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब इसका ये बस ध्यान रखो जो एनर्जी होता है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला रहेगा जहां पर एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस को इंडिकेट करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो एल यहां पर क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। आई यहां पर क्या है, करंट हो गया, ये एनर्जी हो गया। तो एल मुझे चाहिए, एल का चाहिए बेटा 2 एनर्जी अपॉन आई स्क्वायर, तो नाउ 2 एनर्जी, एनर्जी हो गया एम एल टू टी माइनस टू करेंट ए स्क्वायर, हेंस इट बिकम्स एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। तो बेटा इतना ही रखते हैं, इस पर फ्रेश करते बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे, ना नेक्स्ट लेक्चर पे इनका एप्लीकेशन दिखेंगे डायमेंशन की।